वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर आवर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो अलोक इंडस्ट्री स्टॉक की बात की जाए तो 17.95 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। अलोक इंडस्ट्री स्टॉक 17.95 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। 20 पैसे की गिरावट देखने को मिले, 1% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर आज के दिन में। मीन जैसे कि आज देख सकते कि ओपन तो हो चुका था, प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसी के साथ ओपन हुआ, उसी का रजिस्टर लगा, सुबह में ओपन होते उसी का रजिस्टर लगा और वही से गिरावट देखने को मिले। तो 52 वीक लो तो देख सकते 17.75 है, तो आज उसी के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टेबिलिटी दिखाई दिए, पर 18 लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेडिंग करा है स्टॉक। तो रिसेंटली देख सकते कि तकरीबन बाउंस बैक भी होता है, तो 18 लेवल यहाँ पे रजिस्टर एक्ट हो रहा है अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के लिए। तो मार्केट कैप भी देख सकते हो तकरीबन 8.91,000 करोड़ की मार्केट कैप है अलोक इंडस्ट्री की। पिछले 5 दिनों के ऊपर भी नजर डाली जाए तो स्टॉक के अंदर देख सकते 1.37% की गिरावट देखने को मिले। तो यहाँ पे देख सकते वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 11,57,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है यहाँ पे अलोक इंडस्ट्री में, और ट्रेडेड वैल्यू जो है टोटल 207 लाख की टोटल ट्रेडेड वैल्यू है। बाइंग के लिए 6 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए तकरीबन 6,50,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन डाटा रिसेंटली अनअवेलेबल है, तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे अलोक इंडस्ट्री के। तो देख सकते हैं अलोक इंडस्ट्री एट लो यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो लो बनाया है 17.75 उसको ब्रेकआउट मिलता है तो और गिरावट होने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अलोक इंडस्ट्रीज में। तो ये था लेटेस्ट अपडेट अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।